कि अपना YouTube चैनल मोनेटाइज हो गया है, बहुत लोगों ने नहीं पता। दिखाते हैं कौन कौन से अपने एक्सरसाइज करते हैं। कि हम लोग यूपी वाले हैं, किस्मत से ज्यादा मेहनत तो भरोसा करते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? तो दोस्तों, अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और अपने एक्सरसाइज करना है आर्म्स के लिए। तो अभी जिम में ट्रेनिंग दे चुके हैं, देने के बाद आपको एक्सरसाइज करेंगे। अभी लाइट जस्ट भर गई, यहाँ पर लाइट की बहुत इशू है, जब मंगे तब कट जाती है। तो अब चलेंगे, थोड़ा सा वार्म कर लेंगे, वार्म करने के बाद लगाएंगे। जल्दी से कर देते हैं, आज 3 से 4 एक्सरसाइज करेंगे आर्म्स के लिए। दिखाते हैं कौन कौन सी कर रहे हैं, क्योंकि कल का अपना चेस्ट हुआ था तो आज बैक करने वाले थे, बट बैक नहीं करेंगे, आर्म्स की प्रैक्टिस करेंगे। ये भी बहुत ज़रूरी है पंजा लगाने के लिए। दिखाते हैं कौन कौन से अपने एक्सरसाइज करते हैं। हो गया थोड़ा सा। तो दोस्तों, ये रहा बाइसेप साइज। इसका भी 3 सेट करके और शायद अपनी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद फिर चलेंगे बाहर। ये कि आर्म्स अगर 2 दिन बाद 1 दिन करते हैं तो बहुत तगड़ा पंप आता है। डेली करने से कोई मतलब नहीं आर्म्स का, हफ्ते में 3 दिन बहुत है, 2 से 3 दिन बस इतना ही करते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं। तो अभी अपना वर्कआउट हो चुका है, जा रहे हैं रूम में, क्योंकि बस 3-4 साइज करते हैं आर्म्स के लिए, ज़्यादा नहीं करते हैं। वैसे भी हमें पैदल ही जाना है। तो दोस्तों, आ गए रूम पे, अभी जस्ट बर्तन धो के आए धोने के लिए, और उसके बाद चलते हैं बाहर, थोड़ा दूध ले लेते हैं। याद नहीं है उधर से लेंगे, वैसे जाना पड़ेगा, बगल में मार्केट है, छोटा सा एक मॉल है, उसमें से लेंगे दूध ले लेंगे। और मूँगफली का दाना ख़त्म हो चुका है, चलते हैं, खा दो आइटम बचा है ले लेते हैं जल्दी से और लेकर आते हैं तुरंत बनाएंगे खाना, क्योंकि बहुत भूख लगा है। और एक दूध का पैकेट ले लेते हैं, निकाल दीजिएगा। हाँ, क्रीम निकालिएगा, फुल क्रीम। और किसी का काउंटर पर बिलिंग हो रहा था और वहीं पर सारा अपना जो सामान लिया था, 3 से 4 आइटम लिए थे कुछ ऐसे, वहीं पर रख दिए थे, साथ में उसका भी बिल कर दिए। वो बोल रहे हैं कि मेरा सामान है ही नहीं, फिर से बिलिंग हो रहा। तो दोस्तों, आ गए सामान लेकर, लेकिन एक चीज़ का दिक्कत है, जस्ट अभी वीडियो पोस्ट करने वाले थे बट लाइट भग गई है, पता नहीं लाइट आएगी कि नहीं आएगी यार, बहुत टेंशन होता है। मतलब हर चीज़ अगर आप समय से भी कर लेते हो तो ये इशू कभी कभी आ जाता है। हम हमेशा देखते हैं, जब अगर कोई इमरजेंसी है, कहीं जाना हो, मान लीजिए कि 11 बजे हमको कहीं जाना है और 10 बज रहा है, 1 घंटा सोचे फ़ोन चार्ज करके निकल जाएंगे बट लाइट नहीं आएगी। अभी देखिए, जब से जिम से आया तब से लाइट नहीं है, पता नहीं क्यों, क्या मतलब। अब वीडियो पोस्ट का टाइम हो चुका है, मेरे पास 1 GB 2 GB से होगा नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी है और काफ़ी मतलब कि 5-6 GB की है, तो फिर इसके लिए तो वाईफाई ज़रूरी है, बट क्या करें। तो दोस्तों, अभी केला लाए थे और बाकी जो ओट्स बनाए हैं और मूँगफली का थोड़ा सा फ्राई किए हैं, क्योंकि हमें बहुत मज़ा आता खाने में। तो दोस्तों, जग गए सो के, पता नहीं क्यों मेरा आँख सूज गया है दोनों साइड का। देखो नीचे से देखो, दिख रहा होगा ये साइड का और इस साइड का, पता नहीं कैसे सोने की वजह से सूजा है या ना सोने की वजह से सूजा, समझ नहीं पा रहे हैं सच में। 2 दिनों से ऐसा कंडीशन मेरे साथ हुआ है कि जो कि। तो दोस्तों, जग गए सो के जगे अभी, और आपको बता दें कि पता नहीं क्यों मेरा आँख सूज गया है, जब नहीं सो रहा तभी सूजा रहा, तभी सो रहा तभी सूजा, समझ नहीं आ रहा है कि मतलब ना सोने की वजह से हो रहा है या सोने की वजह से हो रहा है। तो अभी जगह हैं और बैठे हैं, जस्ट खाना खा के तुरंत बहुत तेज़ी लगी थी, और वैसे वर्कआउट करने के बाद अच्छे से अगर खाना खा लेते हो आप
और थोड़ा सा 5 मिनट के लिए मतलब कुछ सोचोगे चाहे बैठोगे तो नींद लग जाती है हमें। तो बस अभी जगह है, आपको एक चीज़ बता दें कि अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि बताए नहीं थे किसी को अभी, तो आज सबको बता दें कि अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया है आप लोगों सपोर्ट से। बस सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही, और अपना जो डेली ब्लॉग है डेली ब्लॉग आता रहेगा। बाकी जो आज का वर्कआउट अपना आर्मी सिंह को बनाए थे 3-4 साइज जो डेली करते हैं वही अपना है, हफ्ते में 2-3 दिन करते हैं। और बाकी शाम के अभी लग रहा है हमको कि 4 बज गया होगा, 4 बजने वाला है, शाम को भी जिम जाना है अभी क्योंकि दोनों टाइम ट्रेनिंग देना होता है जिम में। तो अभी तो सुबह में देकर चले आए हैं, शाम को भी जाएंगे अभी। तो जस्ट अभी बैठे हैं रूम में, लाइट है ना, हाँ लाइट है पीछे, लाइट भाई गजब कर दी थी, लाइट लगा दोपहर में आई तब जाकर 12 बजे वीडियो पोस्ट हुआ आज का। तो बस यही बताना था कि आपको बता दें कि अपना चैनल मोनेटाइज हो गया मस्त, और बाकी आप लोग सपोर्ट करते रहिए। तो बस अभी बैठे हैं, कुछ खाएंगे, खाने के बाद फिर निकलेंगे ट्रेनिंग देने के लिए, और देखते हैं, फोन करते हैं सचिन को, कहाँ है, ट्राई करें, फोन लगा रहे हैं सचिन को। देखते हैं एक बार फोन उठा लेता कि नहीं उठा लेता सचिन, पता नहीं इसके फोन में, सचिन में फोन में क्या हो गया कि इसके क्या बोलते हैं वो ऑडियो कॉल फोन नहीं लग रहा है, मतलब कॉल फोन नहीं लग रहा है, व्हाट्सएप से फोन जा रहा है इसके मोबाइल पे, इसका अलग ही इशू है। और भाई बता दे कि आज एक चीज़ बता दें, वो रिंग जा रही है अभी, स्पीकर कर दें, स्पीकर हो गया साउंड तेज सुनाई दे रहा है। कहाँ पे हो सचिन? अरे कब आना है? अच्छा 4:20 पे, सॉरी आ जाना ब्रो। हाँ इसलिए याद दिला दिया, क्या पता भाई बड़े लोग तुम्हारे मोबाइल में फोन नहीं लग रहा है ऑडियो का आजकल। बट एक चीज बचा है मेरा व्हाट्सएप, व्हाट्सएप से, हाँ व्हाट्सएप पे आज बात किए हैं हम, लग रहा है उसको मेल किए थे, मतलब जो व्हाट्सएप के मतलब जो भी कंपनी के मेल होते हैं ऑफिशियली, तो उसको मेल किए तो उसमें बताया कि आपके नंबर से कोई इशू नहीं है, पता नहीं समझ नहीं आ रहा OTP क्यों नहीं आ रहा भाई। आज फिर मतलब बात चलेगी, देखते हैं कब तक बात करते हैं, 1-1 घंटे तक मतलब चैट तो रिप्लाई देते हैं बहुत कम हो, लेकिन हम ज़्यादा रिप्लाई करते हैं। ठीक है आओ आराम से, ठीक है ठीक है ओके आओ। आ रहे हैं 5 बजे सचिन, जल्दी तैयार होना पड़ेगा। और आपको बता दें कि ये जो मेरा व्हाट्सअप इशू है भाई, थोड़ा तकलीफ हो रहा है क्योंकि व्हाट्सअप पे ज़्यादा लोग जुड़े थे, और दूसरी बात कि एक चीज़ से और डर रहे हैं हम, क्योंकि जो मेरा सेकेंड व्हाट्सअप है उसको लगाओ इसलिए नहीं करें, क्या पता इसका भी OTP ना आए, क्या पता भाई व्हाट्सअप वालों का कब मूड घुमा जाए, क्योंकि व्हाट्सअप का मतलब ये रहता है कि हाँ भाई कोई अकाउंट, 2 अकाउंट से लिंक है तो समझ में आता है चलो एक फेल हो गया दूसरे से लॉग इन कर लेंगे। अभी इसका जैसे जीमेल हो गया, जीमेल में क्या है कि नंबर होता है, ईमेल आईडी होता है, फिर रिकवरी ईमेल आईडी कर सकते हो आप, फिर बैकअप कोड होता है उसका, सिक्योरिटी कोड होता है, किसी से भी मतलब लॉगिन करने का बहुत ऑप्शन है, थोड़ा सा ज़्यादा इशू होता है तो बहुत थोड़ा टाइम लगता है। बट अभी क्या है व्हाट्सएप का क्या है, एक नंबर होता है, OTP आएगा 6 अंक का, लॉगिन होगा नहीं आएगा तो नहीं होगा, इसका मतलब सिंपल रूल है और कोई रूल नहीं है सर। और मेरा ही नहीं ऐसे मतलब जिम में 1-2 लोग आए थे कल हम देखें, उनका भी इशू, हमारा तो अभी 1 आवर के लिए लिखता है कि हाँ 1 आवर के लिए OTP मतलब नहीं आ पाएगा, लेकिन उनका तो 24 दिन 10 दिन 5 दिन ऐसे कुछ लिख रहा है। बट इसका जरूर कुछ निष्कर्ष निकालेंगे भाई हम, इसका सिस्टम हैंग करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये मजाक थोड़ी यार किसी का OTP बंद कर देना, ये सही नियम लगा व्हाट्सएप का, ये नियम गलत है, अगर ऐसा ही करना तो भाई व्हाट्सएप बंद कर दो यार, मत चलाओ, क्यों मतलब पब्लिक की हो प्राइवेट चलाओ, खुद चलाओ ना, जब OTP नहीं देना है तो उसे लग रहा है कि हम लोग गलत आदमी है भाई, 4 साल से 5 साल चला रहे आज तक नहीं थे काहे नहीं, शुरू में OTP नहीं दिए होते नंबर से व्हाट्सएप ही नहीं बनाए होते भाई। तो बस यही है, देखते हैं मिले है क्यों नहीं, जरूर लेके मानेंगे, ऐसे थोड़े छोड़ देंगे यार। तो आपको बता दें व्हाट्सएप लेके रहेंगे क्योंकि हम लोग UP वाले हैं, किस्मत से ज़्यादा मेहनत तो भरोसा करते हैं, ऐसे कैसे छोड़ देंगे उसे नहीं। तो चलते हैं जल्दी तैयार हो जाते हैं, और तैयार होकर फिर
क्योंकि आ जाएगा तो फिर तैयार हम सभी मतलब अभी जगह है, जस्ट मुंह धो ले, थोड़ा सा बाल भी कटवाना है, ज़्यादा बड़ा बड़ा हो चुका है सब, दाढ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, सोचे थोड़ा सा और बढ़ा ले, इसे देखिए बार कम पैसे में कट जाएगा। चलते तैयार होते हैं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और बाकी सपोर्ट करते रहिए। मोनेटाइज हो गया अपना सेकेंड आईडी बूस्ट, मोनेटाइज करा दो बस, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि बहुत से लोग देखें। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, मिलते हैं नए ब्लॉग में, टेक केयर, बाय।